बैनुल कुलियाती मुशायरे में परवीन शाकिर का कलाम पेश करने के मुकाबले में शहर के सरकारी कॉलेजेस की तालबात ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में जजिस के फराइज मारूफ कंपेयर नूरुल हसन, शायरा रक्षंदा नवीद और साइमा असमा ने अंजाम दिए, जबकि मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद मेहमान खसूसी थे। परवीन शाकिर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तालबात ने तरन्नुम और तहतुल लफ्ज में कलाम पेश किया। मुशायरे में लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मॉडल टाउन, क्वीन मैरी कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बिलालगंज, जिनाह डिग्री गर्ल्स कॉलेज समेत लाहौर के 13 सरकारी कॉलेजेस की तालबात ने शिरकत की। बैनुल कुलियाती मुशायरे में परवीन शाकिर की आवाज में हाजरीन को कलाम भी सुनाया गया। मुशायरे में शरीक कॉलेज के असातिज़ा का कहना है कि तालबात में मुस्बत रुझान को फ़रोग देने के लिए इस तरह के मौके फराहम करना ज़रूरी हैं। ये बच्चों में अदब के बारे में उनकी दिलचस्पी और उनका रुझान जो है उर्दू ज़ुबान के बारे में उनके रुझान को ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो चूँकि ये मुशायरा एक ऐसी महफिल होता है जिसमें कुछ थोड़ा सा रंग भी होता है, खूबसूरती भी होती है, तो वो रंग और रोशनी के इम्तिजाज से कुछ कशिश से पैदा हो जाती है। मुशायरे के मेहमान खसूसी अमजद इस्लाम अमजद का कहना है कि तालीमी इदारों में उर्दू जबान को सीखने के लिए ऐसे मुशायरे बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। बज़्म अदब होते थे पहले स्कूलों में, ट्यूटोरियल पीरियड्स होते थे कॉलेजेस में, जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चों का एक जिस एक्स्ट्रा करिकुलर हवाले से जो अदब से ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो रह जाते हैं अपने सिलेबस तक महदूद, कोर्सेज तक महदूद रह जाते हैं। तो कोर्सेज में ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह पढ़ना, ठीक तरह से पढ़ना, समझना, ये सिखाया नहीं जाता। बैनुल कुलियाती उर्दू मुशायरे में तालबात ने भरपूर अंदाज में परवीन शाकिर के कलाम को पेश करके ये साबित किया है कि इन्हें ऐसे मौके फराहम करके अदबी सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा सकता है। तालीमी इदारों में उर्दू मुशायरे के इनेकाद से न सिर्फ तालबात में शायरी के असलूब से वाकफियत होगी बल्कि ऐसे मुशायरे उर्दू ज़बान को सीखने में मावन साबित हो सकते हैं। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ मोहम्मद अकमल सोमरो, सिटी 42।